चलिए अब लेके आए लॉन्ग टाइप के कुछ क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप में आपको कह रहा है कि आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, ओके, लेट स्टार्ट विद द आंसर। वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट आर रिचली सप्लाइड बाई द व्हीट, पोटैटो, राइस। ओके, व्हेन दीज आइटम रीच इन माउथ एट फर्स्ट सेलिवरी एमाइलेज स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन दीज कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ भाई? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ तो वो हो गया आपको माउथ के अंदर। उसके बाद आपको पता है पेंक्रियाज का नाम आता है, वो पेंक्रियटिक एमाइलेज रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है भाई? पेंक्रियटिक अमाइलेज। देन पेंक्रियाटिक अमाइलेज ऑल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, देन देयर आर टू प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द माउथ द कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर प्रोटीन इन आवर फूड डाइजेस्टेड। अरे भाई, ये प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? चलो फटाफट बात करते हैं। प्रोटीन हमें मिलता है कहाँ से है? पल से मिलता है, मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, और ये बहुत ही कम्प्लेक्स होता है और इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए सबसे पहला काम होता है उसको स्मॉल पार्ट में चेंज करना और फिर उसका फर्दर डाइजेशन करना। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्टिंग एट फर्स्ट स्टामिक। आपको पता है स्टामिक के द्वारा स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है पेप्सिन, वो सबसे पहले इसको ब्रेक करता है स्मॉल पार्ट्स में। उसके बाद ये स्मॉल पार्ट फर्दर डाइजेस्ट होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लू, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। ओके, यानी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट इज एट फर्स्ट स्टार्टेड बाई द पेप्सिन विच इज प्रजेंट इन द जूस सेक्रेटेड बाई वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंजाइम्स होता है, द इंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक देम इन टू अमीनो एसिड विच इज द प्राइम सोर्स दैट इज यूज टू ग्रो एंड रिपेयर द इंजर्ड टिश्यू। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है हाउ इज एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, तब ये जितने भी डाइजेस्टेड फूड होता थे वो पहुँचते कहाँ है? सेल्स के पास। और सेल्स के पास क्या होता है? ब्लड जो है वो फूड को भी लेके जाता है, यानी जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है। क्या? ब्लड एंड ब्लड ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन। ओके, देन दीज ऑक्सीजन कंबाइंड एंड रिएक्ट टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं सर? रेस्पिरेशन। फटाफट बताना सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जहाँ पे ये रेस्पिरेशन होता है? तो मैं बता दूँ आपको, ये है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फटाफट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रूमिनेंट के, आपको पता है जितने भी ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूमिनेंट बोलते हैं। और रूमिनेंट का जो स्टॉमिक होता है हमारे स्टॉमिक से थोड़ा अलग होता है। हमारे पास सिर्फ स्टॉमिक में एक ही चैम्बर्स होता है, लेकिन उस स्टॉमिक में चार चैम्बर्स होता है और हमारा फूड जो होता है एक ही स्टेप में डाइजेस्ट होता है, लेकिन उसके फूड अलग अलग डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है उसका फूड का सबसे पहला डाइजेशन जो शुरू होता है वो बैक्टीरिया के शुरू द्वारा शुरू होता है। तो क्या करता है रूमिनेंट? फटाफट बहुत तेज़ी से क्विकली वो चबाता है ग्रास को, ईट क्विकली एंड स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रास इन द रूमेन। पहला जो पार्ट होता है स्टोमिक का उसमें वो जमा करता है जहाँ पे मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ सेलिवा फर्दर ब्रेक डाउन द फूड। फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और पार्शली डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला आता है? र्यूमेन में आकर, यानी र्यूमेन में फटाफट
ईट करने के बाद क्या करता है, ह्यूमेंट अपना फूड रखता है, ओके। बाद में क्या होता है, पार्सली जो च्यूड फूड होता है, ओके, वो कहाँ डाल दिया जाता है, ह्यूमन में, कहाँ भेज दिया जाता है। अब ये जो होता है उसको पार्सली च्यूड फूड को, द पार्सली च्यूड फूड कॉल कट सेंड बैक टू द माउथ, इससे पहले उसको रखा जाता है कहाँ पे, रेटिकुलम में। ये कहीं और नीचे लिख दिया गया है क्या, चलो यहाँ से गायब हो गया, फटाफट लिख देते हैं, ठीक है। पार्सली डाइजेस्टेड फूड कहाँ रखा जाता है, रेटिकुलम में, कहाँ रखा जाता है, रेटिकुलम में रखा जाता है, ठीक है। और रेटिकुलम से फर्दर उसको कहाँ भेजा जाता है, फिर से चिविंग के लिए माउथ में भेज दिया जाता है। माउथ में जब फाइनल चिविंग हो जाता तो फिर उसको भेजा जाता है ओमेशन और एवोमेशन में, जहाँ पे उसका फर्दर डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन, रियल में अगर देखा जाए तो उसका जो डोमिनेंट होता है, उसका एक्चुअल जो देखोगे डाइजेशन होता है वो ओमेशन में होता है। तो रियल उसका अगर बात करें क्या, रियल में उसका जो स्टमक है वो ओमेशन ही है और एवोमेशन, ये दोनों डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन के बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन के लिए कहाँ जाता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हम लोग के अंदर होता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया डाइजेशन, चलो बात करते हैं अमीबा में। अमीबा क्या करता है, जो ही उसके आसपास खाना आता है, खाना को सेंस करते हैं, उसकी बॉडी में क्या होता है, एक चेंज आना शुरू करता है, और बॉडी में एक सीडोपोडिया बन जाता है। सीडोपोडिया मतलब होता है फॉस्फेट, वो फॉस्फेट क्या करता है, कैच कर लेता है उस फूड को, और जो ही फूड को कैच करता है तो उसको क्या करता है, इनसर्कल कर लेता है। इनसर्कल करते हैं, जो इनसर्कल पोर्शन होता है वहाँ से निकलता है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सीडोपोडिया के अंदर ही उसको डाइजेस्ट कर देता है, यानी सीडोपोडिया सडनली गेट कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल्स। अब ये जो सीडोपोडिया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैक्यूल्स में, ठीक है। तो डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इस बात का याद रखना, अमीबा में जो डाइजेशन होता है बॉडी के बाहर होता है, यानी क्या करता है, सीडोपोडिया इनगल्फ करता है किसको, फूड को, और क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैक्यूल्स में, और वैक्यूल्स के अंदर उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है बॉडी के बाहर। आफ्टर डाइजेशन दी डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द बॉडी सर्फेस बाय द अमीबा, ओके। देन अमीबा यूजेस दिस सब्सटेंस एंड रिमूव द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द फूड, ओके। और भी कुछ बाकी है, चलो देखते हैं हम लोग क्या हायर ऑर्डर थिंकिंग एक स्किल के कुछ क्वेश्चन, जिसमें आपको रीजन देना। सबसे पहला पता है कि चपाती को जब आप च्यूइंग करते हैं बहुत देर तक वो मीठा लगने लगता है, तो सिंपल इसका आंसर क्या है, क्योंकि सेलिवा के अंदर, ठीक है, जो हमारा माउथ के अंदर सेलिवरी ग्लैंड है वो सेलिवा रिलीज करता है, वो सेलिवा क्या करता है, स्टार्च ग्लूकोज को किस में बदल देता है, शुगर में, किस में बदल देता है, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है चपाती में किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो मीठा लगता है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, वाई, तो आपको पता है कि डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नीड टू बी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, ओके। देन दीज ब्लड वेसल्स हैव टू टेक द एब्जॉर्ब फूड एंड ट्रांसफर इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ वेजिटेबल एंड फ्रूट कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन, वाई, बिकॉज वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन द फाइबर दैट कैन नॉट बी इजिली डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड व्हेन एलिमिनेट कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन, ओके। मैमल्स
व्हेल आर कॉल्ड फिल्टर फीडर। व्हेल को क्या बोलते हैं हम लोग? फिल्टर फीडर बोलते हैं। क्यों? क्यों? व्हेल के पास क्या होता है ना, टिथ होता है स्पेशल, विच हेल्प इन बीटिंग एंड च्यूइंग द फूड। देयर फोर दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फीटर फीटर एज दे हैव टू स्ट्रेन देयर फूड फ्रॉम द वॉटर। क्योंकि वो वाटर के अंदर से क्या होता है ना, वो फिल्टर करके खाता है। क्या करके आता है? फिल्टर करके खाता है। चाहे कितना भी गंदा क्यों ना लगा हो, वो जब खाएगा तो उससे पहले वो उसका जो टिथ होता है वो बिल्कुल क्लीन कर लेता है। दैट्स ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेकेंड चैप्टर फॉर क्लास 7। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्वेश्चन आंसर। इफ यू लाइक देन प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब एट टू द चैनल सब्सक्राइब इट। इफ यू फाउंड वेरी यूजफुल देन शेयर इट टू द अदर वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।